thank <laughs> you Ontario is open for business and pleasure. Let us celebrate life again. Come to TD Mosaic Festival and celebrate our art, our culture, and our cuisine. Let's meet on July 22nd and 23rd for the 17th Annual Mosaic Festival at Mississauga's Celebration Square. And enjoy the award-winning festival with those who matter the most to you, your family and friends. Free admission and parking. More information, visit mosaicfest.com. मोजैक फेस्टिवल जिसको टी डी मोजैक के नाम से भी जाना जाता है उसको सत्रह बरस हो गए और इस फेस्टिवल ने ना सिर्फ मिसेस आगा में बल्कि कैनेडा और नॉर्थ अमेरिका में अपनी धूमें मचा रखी हैं और इस फेस्टिवल के रूहे रवा हैं जनाब अरशद महमूद साहब और मोतरमा आसमा अरशद महमूद साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैनेडियन कम्युनिटी आर्ट्स इनिशिएटिव के फाउंडर और टीडी डी फेस्टिवल के फाउंडर अरशद महमूद जी आगा साहब खुश आमदेद आपको आप तशीफ लाए वक्त निकाला बाईस तेईस जुलाई को ये फेस्टिवल होने जा रहा है और आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है कि इसमें से भी वक्त निकाल दें चूँकि इसकी एक लंबी लाइनअप है तो ये बताइए कि कोविड के बाद की स्पिरिट क्या है मैं आपको पहले तो कोविड से सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ताहिर बुलाने का सत्रह ही साल से आप ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन वन वे फॉर्म और दी अदर आप खुद पार्ट रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर रहे हैं हमारे बोर्ड पे तो आपसे मिलकर हर मरत खुशी ही होती है और वो कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं हमारे फेस्टिवल की भी और बाकी चीज़ों की भी कोविड के दिनों में जो हमारी प्रायोरिटी थी वो हमारी दो तीन प्रायोरिटीज थी कोविड के ज़माने में कि सोशली डिस्टेंस तो लोगों की सेफ़्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप करें उसमें अपना डिस्टेंस को मद्देनज़र नज़र रखें आ, लेकिन हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था कि कनाडा के आर्टिस्ट सफ़र कर रहे थे उन्हें गिग्स नहीं मिल रही थी उन्हें शोज़ नहीं मिल रहे थे और वन ऑफ़ दी वन ऑफ़ दी सेगमेंट्स ऑफ़ दी कैनेडियन इकानमी जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था वो आर्टिस्ट थे और म्यूजिशंस थे और टेक्नीशियंस थे जिनकी रोज़ी रोटी इसी काम से बंधी होती है तो हमने डिजिटली दो साल कंटेंट प्रोड्यूस किया और हमारा फोकस जो था वो कैनेडियन आर्टिस्ट ही रहे वो कोविड के दौरान में क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले अपने घर की अपने रिश्तेदारों की अपनी फैमिली की अपने लोगों की शहर वालों की खबर रखी जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि हंड्रेड आर्टिस्टों को पेमेंट्स की गई हैं सी के थ्रू पिछले साल सिर्फ और हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इस लेवल पे सराही गई कि हमें दोबारा से एक तो 2017 में भी मिल चुका था लेकिन हमें 2022 में दोबारा से मिसाग आर्ट्स काउंसिल ने बेस्ट फेस्टिवल ऑफ़ द ईयर का ये डिजिटल फेस्टिवल ऑफ़ द ईयर का अवार्ड हमने जीता मिसाग आर्ट्स काउंसिल से तो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात थी तो ये तो है कोविड के दौरान की बातें कोविड के ख़त्म होने के बाद जो हमारा स्लोगन है वो है बेटर डेज अहेड तो मोजेक फेस्टिवल की जो एक की फ्रेज़ है वो यही है कि बेटर डेज अहेड फेस्टिवल बाईस और तेईस जुलाई को होने जा रहा है मिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में इसमें भी हमारी कोशिश यही है कि हम अपने लोकल आर्टिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें ये एक साल और हम अपने मुल्क के लोगों के साथ बिता लें और उसके बाद हम इंटरनेशनल टैलेंट के ऊपर दोबारा आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क में भी हमारे यहाँ साउथ एशियन टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ आ, ऐसे ऐसे बैंड्स ऐसे ऐसे सिंगर्स ऐसे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं कैनेडा में ऐसे ऐसे शायर लिखारी अदीब यानी आप किसी भी जहत में देख लीजिए तो आपको कैनेडा में साउथ एशियन अपना और अपनी धरती का नाम ऊंचा करते हुए नज़र आएंगे और अपने कलम की नामो की और इज्जत की हिफाजत करते आपको नज़र आएंगे बहुत अच्छा लिखने वाले हैं जोश बैंड है जिसे हमारे आ, पाकिस्तान के नाजरीन और सामीन ज़्यादा जानते हैं इवन कैनेडा में रहने वालों की नस्बत क्योंकि ज़्यादा टाइम उनका वक्त कैनेडा में से बाहर पाकिस्तान में ही गुजरता है कोक स्टूडियो पाकिस्तान में भी शिरकत कर चुके हैं कई मरतबा इस साल हमारे पास मीशा शफी आ रही हैं बहुत बड़ा नाम जो कि एक बड़ा नाम है और मीशा शफी बाईस uh, जुलाई को परफॉर्म करेंगी हमारे फेस्टिवल में जोश तेईस जुलाई को परफॉर्म कर रहे हैं शौकत अली हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान से एक और uh, बड़ा अच्छा बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही सुलझा हुआ बड़ा ही प्यारा कंपोज़र म्यूज़िशन गलोकार राइटर हमें दस्तियाब हुआ है जो कि अब कैनेडा का बासी है और उसका नाम है uh, डेल अर्नी बर्च अर्नी बर्च जो है ये पी में भी रहा उसके बाद बोल टीवी के साथ भी काम करता रहा कम्पोजिशन बहुत सी हैं शफकत ने भी इनकी कम्पोजिशन गाई हैं तो डेल अर्नी बर्ज इस दफ़ा हमारे साथ मोजे एक फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं और परफॉर्म करेंगे और कल रात हमें उनकी रिहर्सल में बैठा हुआ था और आप यकीन जानिए कि उनकी रिहर्सल अर्नी की ऐसी थी कि उठने को जी नहीं चाह रहा था तो मुझे नहीं पता मैं रात को बारह बजे एक बजे कितने बजे वहाँ से उठा उठाऊँ लेकिन जी खुश हो जाता है उनकी आवाज़ उनकी धुनें सुन के ही uh, इज़ uh, हरफन मोला जिसे कहा जाता है और आवाज़ बहुत खूबसूरत है क्लासिकली ट्रेंड हैं उनके अलावा uh, आपको 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 याद होगा पंजाब में जब बराते जाया करती थी तो आगे वो ढोल बाजे वाले लोग बड़े बड़े वो क्या कहते हैं नफीरियाँ और चीज़ें लेके शहनाइयाँ बाजारे होते थे और ब्रास की चीज़ें होती थी uh, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में

तो स्टेज की जहाँ तक परफार्मेंसेस की बात है तो ये लोग हैं इनके अलावा कम से कम कम से कम एटलीस्ट आठ दस और ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं इस वक्त डेस्टनी बैंड है जो हमारे लोकल में सा ब्रैम्पटन का बैंड है आ, फिर हमारा विजुअल आर्ट के जो कंपोनेंट हैं फिर हमारे आर्टिस्ट के जो कंपोनेंट हैं फिर, है, फिर हमारे वेंडर्स हैं फिर हमारे फूड वेंडर्स हैं तो एक पूरे का पूरा जो दो दिन के लिए हम एक मैदान सजा के रखेंगे आ, मिसागा और हमारे कुरबो जवार के जितने बासी हैं उन सब के लिए आ, तो हमारी सबसे दरख्वास्त यही होगी कि वेबसाइट पे जाइए देखिए कौन कौन से बैंड किस किस वक्त क्या स्कीजुल है कौन परफॉर्म कर रहा है और ज़रूर आइए अपने दोस्तों को बताइए अपने मिलने वालों को बताइए अपने फैमिली वालों को बताइए और मोजेक फेस्टिवल को जो एक हमारा खासा है वो ये है कि हमें अपने आप को एक फैमिली फेस्टिवल कहते हैं कि हर उम्र के फैमिली मेंबर के लिए हमारे पास एक्टिविटी होती है तो बच्चों के साथ आइए बड़ों के साथ आइए बड़ों की यादें ताज़ा होंगी बच्चों को नई यादें बनाने को मिलेंगी और जो नौजवान हैं और जो हमारी उम्र के लोग हैं जो कि अब सठ्याने की उम्र में आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होता है तो ज़रूर आइएगा मोज़ैक फेस्ट डॉट काम पर हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल मौजूद है आ, उसे देखिए और उसके अलावा आपको कोई इन्फॉमेसन चाहिए हमें ई मेल कीजिए वहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए हमें फ़ोन कीजिए हमें खुशी होगी कोविड के उस पार आप लोगों को देखने की आपको मिल हमें बहुत मसरत होगी तो ज़रूर आइए साहब यहाँ स्क्रीन पे हम अपने व्यूर्स के लिए भी गाहे बगाहे आपकी वेबसाइट देते रहेंगे और व्यूर्स आप देखते रहिए इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी मलूमत मिलेंगी मैं जो एक और बात आपसे और हमारे व्यूर्स जानना चाहते हैं कि कोर्स ये हर बार की तरह सेलिब्रेशन स्क्वायर में ही हो रहा है मिसाद आके और उसमें थोड़ा सा प्रिसाइजली हमें यह बताइए अगर अगरचे हमारे व्यूर्स देखेंगे वेबसाइट पे भी सोशल मीडिया के पेजेस पर भी लेकिन व्यूर्स को बर, आप बरह रास्त बताइए कि दोनों दिन 22 और 23 जुलाई को किस वक्त अंदाजन शुरू होगा और किस वक्त तक ये तकरीबा चलेंगे हाँ जी बाईस जुलाई को जो कि हफ्ते का दिन जुमे का दिन बनता है तो जुमे को चूंकि हमारा सेटअप होता है हम लोग फेस्टिवल ओपन करते हैं पाँच बजे शाम के पाँच साढ़े पाँच के आसपास परफार्मेंसेस शुरू हो जाती हैं और रात के ग्यारह बजे तक वो परफार्मेंसेस चलती हैं नॉन स्टॉप सैटरडे का दिन इस लिहाज़ से इंटरेस्टिंग होता है कि दिन में अगर धूप होती है गर्मी होती है तो लोग बाहर निकलते हैं आते हैं खाना पीना चाहते हैं शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लोग आते हैं ज़रा जल्दी आ जाते हैं फेस्टिवल में दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे के करीब लोग आना शुरू हो जाते हैं तीन बजे के आसपास जो है वो इतना रश हो जाता है कि फिर आपको जगह ढूँढनी पड़ती है बैठने के लिए तो मेरी सबसे गुजारिश ये होगी कि वक्त पर आइए ताकि आप अच्छी जगह आपको मिल सके सामने की क्योंकि हम रिज़र्व सीटिंग नहीं होती ना हम वीआईपी सीटिंग का कोई इस किस्म का कोई बंदोबस्त करते हैं हमारे फेस्टिवल में आने वाले तमाम लोग हमारे लिए इक्वली बसत एहतराम लाइक बसत एहतराम है इसलिए हम सबको इक्वल एकअल प्रोवाइड करते हैं कोई बुकिंग कोई कन्फर्मेशन कोई रिजर्वेशन हम जगह की नहीं करते हमारे लिए आप सब वी हैं तो इसलिए आप सबके लिए वी जगह हाजिर है वो लोग जो ज़्यादा ज़यीफ़ हैं वो लोग जो चलने फिरने में जिनको कोई मसला होता है उनके लिए अलबत् हमारे पास सेपरेट सीटिंग होती है रिजर्व आ, अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जो कि एक्सेसिबल सीटिंग चाहिए जिनको या कोई बेहतर जगह चाहिए या ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो एक साइड पे बैठना चाहते हैं तो उनसे दरख्वास्त होगी कि हमारे वॉल्टियर से कॉन्टेक्ट कीजिए आते ही हमारे वॉल्टियर आपको गाइड करेंगे आपके लिए जगह रिजर्व होगी मुख्तस होगी जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और फेस्टिवल को इंजॉय कर सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर और दोनों रातों में बाईस और तेईस दोनों रातों में हमारा फेस्टिवल रात को ग्यारह बजे तक चलेगा तो खाना पीना तो साथ ही मौजूद होगा जाहिर है तो यहाँ की तरफ़ आने लगा हाँ। था कि इतने बढ़िया बढ़िया स्टाल फूड वेंडर्स के मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट जो आपके यहाँ तो वो भी ज़रा थोड़ा सा नफ्स नफीस बताइए हमारे पीयूस को कि जो चीदा चीदा नाम आपके जेन में बात यह है कि आपको चिकन टिक्का पसंद है या आपको डोसा पसंद है या आपको बीवर टेल्स पसंद हैं या आपको बारबिक्यूट चिकन पसंद है या आपको हलीम पसंद है या आप कोई भी चीज़ वेजिटेरियन फूड भी बहुत है वेजिटेरियन फूड भी बहुत है तो साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बारह फूड uh, वेंडर्स हमारे मौजूद होंगे और ये फूड वेंडर्स uh, वो नहीं होते जो सिर्फ घर में अपना इस्तेमाल करके या बना के घर में ले आएंगे ये वो हैं जो प्रोफेशनल यहाँ के जाने माने रेस्टोरेंट्स uh, हैं केटरिंग uh, सर्विसेज हैं जिनको दुनिया जानती है और जिनका खाना पसंद किया जाता है uh, तो ज़रूर uh, इतने पैसे लेके आइएगा फेस्टिवल फ्री है पार्किंग फ्री है तमाम परफॉर्मेंसेस फ्री हैं लेकिन शॉपिंग के लिए और खाने के लिए पैसे ज़रूर ले आइएगा एक चीज़ अलबत् मैं और रिक्वेस्ट करूँगा अपने आ, देखने वालों से और वो ये है कोशिश कीजिएगा कि पानी की डिस्पोजेबल बोतलें ना लाएँ बोतल ऐसी लाइए जिसको आप बार बार भर के इस्तेमाल कर सकें हमारे पास एक स्पॉन्सर ऐसे हैं इस साल जो वहाँ पे साइट पे आपको ठंडा पानी आपकी बोतल में फ्री बगैर किसी कॉस्ट के भर के देंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिस्करेज करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स को जो कि बाद में इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है तो उसे अवॉइड कीजिए वहाँ पे पानी आपको मिलेगा फिलिंग स्टेशन होंगे अपने साथ एक बोतल ले आइए उसे भर के इस्तेमाल कीजिएगा तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे और ये दुनिया भी ये मुल्क भी और दुनिया भी आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी हमारी इन्वामेंट के साथ साथ अगर सब कहने को तो ये फेस्टिवल साउथ एशियन कल्चर uh, का फेस्टिवल है मगर जो पिछले फेस्टिवल्स की एक हिस्ट्री रही है मैंने हमेशा गौर किया कि बहुत ऑर्गेनाइज फेस्टिवल रहा हमेशा और इस बार भी होगा और इसमें जो टच है वो कनेडियन टच या साउथ एशियन कनेडियन टच ज़्यादा है अभी जो आप कह रहे थे जैसे बोतल भरने की बात है सिंगल यूज़ की बोतल ना लाएं और ये सारे का सारा जो रवैया है ये हमारा कनेडियन रवैया है फिर आपके हाँ इस बार तो कोविड के बाद हो रहा है हमेशा से इंग्लिश म्यूज़िक भी साइड में हुआ करता था अब मुझे मालूम नहीं कि वो जी, है बिल्कुल नहीं आ, है। आ, हमारा जो आ, सा, इसके साथ साथ जो कॉन्सर्ट चल रहा होता है एक और फेस्टिवल चल रहा होता है जो हमारा तोहफा है कनाडा के रहने वाले उन बच्चों के लिए 16 से 26 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है इसका नाम है रॉकता कॉलेसीम रॉकता कलेसियम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का फेस्टिवल है ये भी फ्री है कोई एडमिशन चार्जेस नहीं है और रॉकता कलेम में आपको तमाम वेस्टर्न जानर की जितना म्यूज़िक की है वो तमाम मिलेंगी अच्छे बैंड्स मिलेंगे और दो दिन का ये भी होता है रॉक द कलोसीम ये भी सत्रह बरस से चल रहा है और डमेटेश नाथ इसके फेस्टिवल डायरेक्टर हैं जो कि ख़ुद एक म्यूजिशियन है ख़ुद उनका अपना बैंड है और म्यूज़िक टीचर भी हैं वो तो वो इसको चला रहे हैं आ, आपको दो दिन में तकरीबन आठ से दस के करीब अच्छे क्वालिटी के बैंड फ्री कॉन्सर्ट में आपको रॉक द कलोसियम में मिलेंगे और जहाँ तक वो बात थी कि हमारे साउथ एशियन कैनेडियंस का ताल्लुक है आ, इस कैरेक्टर के साथ जो हम कैरेक्टर एक डेवलप कर रहे हैं जो किरदार हम डेवलप कर रहे हैं इस फेस्टिवल का तो फेस्टिवल तो एक बहाना होता है ताहर भाई फेस्टिवल तो एक बहाना है ये तमाम एक्टिविटीज़ एक बहाना होती हैं एक लाइफ का एक लाइफ को तरतीब देने का उसको मुरतब करना और हमारी कोशिश होती है कि आप जो भी काम करें ज़िंदगी में उससे कोई ना कोई चीज़ सीख के अपने घर जाएँ और यही चीज़ है जो हम लोगों के सामने अपने सामीन के नाजरन के विज़िटर्स के सामने रखते हैं कि यार कोई ना कोई काम हम ऐसा कर जाएँ जो जिस पर हम कल को जब बैठें और सोचें तो हमें फ़ख्र हो कि यार हमने इस इन्वायरमेंट के लिए इस फ़िज़ा के लिए कोई ऐसा काम ज़रूर किया है इस धरती के लिए इस ज़मीन के लिए हमने कोई ऐसा काम ज़रूर किया है जिसकी वजह से ये कल को हमारा शुक्रिया ही अदा करेगी तो हमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना होता है बेशक वो हम पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट करें बेशक वो हम कल्चरली कंट्रीब्यूट करें सोशली कंट्रीब्यूट करें मॉरली कंट्रीब्यूट करें एथिकली कंट्रीब्यूट करें जिस हिसाब से भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम करें लेकिन हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आनी चाहिए मोजेक फेस्टिवल तो स्टार्ट ही हमने इसीलिए किया था कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी बैंकुट हॉल में अपने ही लोगों में जिसे मैं इन ब्रीडिंग कहता हूँ कि भाई अगर पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पाकिस्तानियों ही के सामने पेश करना है तो फिर वो कनाडा में करने की क्या ज़रूरत है मैं टिकट लेता हूँ मैं बाईस करोड़ पाकिस्तानी मौजूद है पाकिस्तान जाके देख लेता हूँ जहाँ पर जो करने का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले या इंडिया से या बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा वो तमाम लोग भी इसे देखें कि हमारा वो क्या कल्चर है जिससे वो क्या सकाफत है जिसको हम अपने साथ लेकर आए हैं हम अपने साथ सिर्फ बैगेजेस लेकर नहीं आए हम अपने साथ ये तमाम एसेट्स लेकर आए हैं और हमारा तो आठ नौ हज़ार साल पुरानी सकाफ़त है आप सोचिए मोइोदाड़ो आप सोचिए हड़प्पा आप सोचिए वो तमाम चीज़ें हुगली के किनारे की और वो तमाम बातें अगर आप सोचते हैं वो कल्चर वो सकाफ़त वो आर्ट अमीर खसरो आज से चार सौ साल पहले जो कवाली दे गए आपको जो जो तबला आपको दे गए जो भजन आपके रविंद्र नाथ साहब लिख गए या जो लता जी ने गा लिए अरे ये तो बहुत बड़ा वरसा है और अगर हम इस वरसे के मतवली नहीं होना चाहते हम इस विरसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं हम इस विरसे को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि यार हम आज भी इस हालत में हैं कल भी हम इसी हालत में थे परसों भी हम इसी पाँच हज़ार साल पहले भी हमें सकाफत से रक्स से मौसीकी से लिखत पढ़त से शौक़ था और आज भी है और इन रहेगा क्योंकि बर सग़ीर हिंदोपाक से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम काउंट करने में तो नौ मुल्कों को काउंट करते हैं मालदीप को बर्मा को इन सब चीज़ों को मिला के लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पीपल देखना चाहें तो हम दुनिया की एक चौथाई आबादी से ज़्यादा हैं यार सिर्फ हिंदुस्तान में देख लो तो वन पॉइंट बिलियन लोग रह रहे हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की इतनी पुरानी पॉपुलेशन दुनिया की उतनी ही पुरानी हमारी सकाफत उतनी ही रची बसी है जैसे हमारी ज़रात है जैसे हमारी हुनरमंदी है जैसे हमारी स्किल ओरिएंटेड ट्रेड्स हैं उसी तरीके से ये रक़स की ये सकाफत भी हमारे अंदर रची बसी है हमारे लिबास हमारी ज़बान हमारा चाल ढाल ये सब हम हिंदुस्तान या बर सगीर हिंद पाक से ही ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं की हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एक इकट्ठ करते हैं आपको हम कभी भी पाकिस्तान का नारा लगाते हुए नजर नहीं आएंगे फेस्टिवल में हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए नजर नहीं आएंगे हम जुनूबी एशिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं तो हम दुनिया की चौथाई पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या फ़ायदा कि हम अगर अपने आप को दोबारा से वैसे ही अलहदा करना शुरू करते हैं जैसे हमने बाकी जगहों पर किया है नहीं यहाँ तो हम इकट्ठ की बात करते हैं हाँ पोलिटिकल बातें मजहबी बातें हमारे फेस्टिवल में मत कीजिए किसी और फेस्टिवल में कर लीजिए जाके या जहाँ पे आप समझते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी इस किस्म की कर लीजिए हमारे यहाँ तमाम मजाहब तमाम दीन तमाम तमाम कल्चर तमाम म्यूज़िक बराबर है बहुत बहुत शुक्रिया आका साहब आज की गुफ्तु में अगर आप महसूस करें कि कोई बात आप मिस कर गए हो तो ज़रूर कीजिए हमारे नाजरन के साथ मोजेक हमारी वेबसाइट है और ज़रूर जाइए फेसबुक पर जाइए हमारा पेज देखिए उसे लाइक कीजिए हमारा कमर्शल देखिए लोगों के साथ साझी कीजिए आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है सबके पास 200 400 600 सौ फ्रेंड्स तो होती ही हैं उन्हीं 200 400 600 सौ से शुरू कीजिए उनको हमारे पैगाम भेजिए उनको हमारा मटेरियल भेजिए हमारी इंफॉर्मेशन दीजिए 22 और तेईस जुलाई को सेलिब्रेशन स्क्वायर में सागा में थ्री सिटी सेंट्रल ड्राइव हमारा एड्रेस होगा आना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को रिश्तेदारों को सबको बताइए कि इस खूबसूरत देश के अंदर हम यहाँ पे भी अपने खूबसूरत जनूबी एशिया की सकाफ़त के अलमबरदार हैं रहेंगे आइए और हमारा साथ दीजिए टी डी मोजेक टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में बाईस और तेईस जुलाई को सेलिब्रेशन मिसेस आगा में मोजेक फेस्ट डॉट कॉम मोजेक मिसेस आगा बहुत बहुत शुक्रिया आगा अरशद महमूद साहब आपने बहुत भरपूर अंदाज से मलूम हमारे व्यूर्स को दी आखिर में मैं अपनी तरफ से टैग टी वी के व्यूर्स को तलकिन करूँगा ताकीद करूँगा कि ज़रूर जाइए बाईस और तेईस जुलाई को सेलिब्रेशन स्कोय मिसेस सागा में एड्रेस भी हम स्क्रीन पे आपको दे रहे हैं और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर और हर बार अटेंड करने की वजह से बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि इस बार का मोजैक फेस्टिवल भी टी डी मोजैक फेस्टिवल उसी तरह खूबसूरत होगा जिस तरह हमेशा ये खूबसूरत रहा है और जैसा कि अर्षद महमूद साहब ने कहा कि इस बार वो एक नए जज्बे और वलवले के साथ इस कल्चरल सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं आप भी उसका हिस्सा बनिए हम सब Ontario is open for business and pleasure. Let us celebrate life again. Come to TD Mosaic Festival and celebrate our art, our culture, and our cuisine. Let's meet on July 22nd and 23rd for the 17th Annual Mosaic Festival at Mississauga's Celebration Square and enjoy the award winning festival with those who matter the most to you your family and friends free admission and parking more information visit mosaicfest.com subscribe tag tv youtube channel and press the notification button